कश्मीर घाटी में सेना और सुरक्षा बलों के सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों के बावजूद पाकिस्तान की नापाक साजिशों के चलते घाटी से आतंकवाद का जड़ से खात्मा होने में अभी कुछ और समय लग सकता है। हालांकि सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों के चलते जैश ए मोहम्मद और गजावत उल हिंद जैसे आतंकी संगठनों की तो कमर ही टूट गई है, लेकिन इसके बावजूद आतंकी खतरा अभी भी मंडरा रहा है। पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर हुए हमले को अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है, घाटी में एक बार फिर एक बड़ा आतंकी खतरा मंडराने लगा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिली ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अलबद्र नाम का कट्टरपंथी गुट एक बार फिर सिर उठा रहा है। अलबद्र के अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी से नजदीकी संबंध माने जाते हैं। गौरतलब है कि जमात इस्लामी पर हाल ही में बैन लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अलबद्र को मजबूत करने में जुट गई है, ताकि उसके जरिए घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सके। इसके लिए जैश के पुराने कैडर को कथित रूप से अलबद्र में शामिल किया जा रहा है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक अलबद्र ने खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों की भर्ती चालू कर दी है। ये वही इलाका है जहां भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। सूत्रों की माने तो ये घाटी में ISI की रणनीति में एक बड़ा बदलाव है। अलबद्र को दोबारा खड़ा करने के पीछे एक कारण ये भी है कि उसमें अभी ऐसे कई पुराने लोग हैं जो उसके साथ तब से जुड़े हैं जब से वे घाटी में उभार पर था। इसके मुखिया बख्त जमीन खान ने जम्मू कश्मीर में तथाकथित जिहाद की आवाज उठाई है। पिछले महीने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जमीन ने कहा था कि ये खुद कश्मीर की आवाज बनेगा और भारत के खिलाफ जंग छेड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक अलबद्र को जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा का समर्थन मिला है। अलबद्र का मुख्यालय मंचेरा में स्थित है। ये संगठन दक्षिण और उत्तर कश्मीर में 90 के दशक की शुरुआत में सक्रिय हुआ था। पुंछ जिले में भी कुछ हद तक इसकी मौजूदगी दर्ज की गई थी। हाल ही में आतंकी संगठन ने एक वीडियो जारी कर और भी हमलों की चेतावनी दी थी। अलबद्र कमांडर लोगों से उसमें शामिल होने के लिए कह रहा है। संगठन ने भारतीय एयर स्ट्राइक के जवाब में भारतीय पायलट को कैद करने के लिए पाकिस्तानी सेना की भी तारीफ की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक घाटी में अलबद्र का नया कमांडर अर्जुमन गुलजार है। वह पुलवामा के रत्नीपोरा गांव का रहने वाला है। एक जांच में उसका नाम शामिल होने के बाद वह आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य बन गया है। गुलजार अपने संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूसरे संगठनों में नेतृत्व की कमी हो गई है। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. Update rahein hamare saath.